नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं रणतंत्र और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्रिकेट थोड़े दिनों में वैसे ही शुरू होने वाला है जैसे बाबा का ढाबा वापस शुरू हो गया। 28 मार्च 2021 को टीम इंडिया ने अपना आखिरी मैच खेला था और अब 82 दिन के बाद कोहली की टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने उतरेगी। हालांकि इससे पहले अगर आपको क्रिकेट की फील लेनी है और कैश प्राइज जीतना है तो सिंपल सा काम करना है। बउआ भाई बताओ। जी हाँ, मैं बताता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जल्दी जाइए। वहाँ पे लिंक दिया है आपके फेवरेट My11 सर्कल ऐप का। उस पर क्लिक करके डाउनलोड करो, अपनी टीम बनाओ, कैश प्राइज तो जीतोगे। 1500 रुपीज का वेलकम बोनस और 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन फर्स्ट डिपॉजिट। भाई साहब, जैसे ही आप My11 सर्कल ऐप पर जाओगे ना, वहां पर बहुत सारे क्रिकेट के इवेंट्स हैं जिसकी पूरी लिस्ट दी हुई है। उसमें आप हर में अपनी टीम बना सकते हो और कैश प्राइज जीत सकते हो। जैसे इंग्लिश T20 लीग है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच है, पाकिस्तान का T20 लीग है। कराते क्यों ये लोग पता नहीं, लेकिन है तो है, अब क्या करें। लेकिन अपने को क्या, अपने को आपकी टीम बनाने से मतलब है। आप अपनी टीम बनाओ, कैश प्राइज जीतो। तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करो My11 सर्कल ऐप। लेकिन याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड Be addictive. Please play responsibly and at your own risk. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 9 दिन बाकी हैं और टेस्ट वर्ल्ड कप के पहले फाइनल में आपको झामफाड़ क्रिकेट देखने को मिलेगा। दुनिया के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ी इस फाइनल में खेलने उतरेंगे। लेकिन जैसे रेस्टोरेंट में कितना भी बढ़िया हो ना भाई साहब, 3-4 डिश लेकिन हमेशा ज्यादा बिकती है, उसी तरह परफॉर्मेंस चाहे सबकी अच्छी हो लेकिन 3-4 खिलाड़ियों की ज्यादा दिखती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उन 3 खिलाड़ियों की जो इस फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ला सकते हैं, वो भी पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। आइए मिलते हैं उन 3 होनहार खिलाड़ियों से जो बउआ के हिसाब से बन सकते हैं मैच के सिकंदर। तो सबसे पहला खिलाड़ी, भाई साहब इंग्लैंड में मैच हो और विराट कोहली का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे कहीं भी मैच हो और कोहली का जिक्र ना आए ऐसा नहीं हो सकता, वो टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन 22 नवंबर 2019 के बाद से उनके बल्ले से सेंचुरी देखने को आंखें तरस रही हैं। ठीक वैसे ही तरस रही हैं जैसे मुंह पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क के जाने को तरस रहा है। कोहली को आखिरी शतक लगाए 550 दिनों से ज्यादा हो चुके। इस बीच उन्होंने 66 पारी खेली है, 1646 रन भी बना लिए। लेकिन जिस तरह सनी देओल को कोर्ट में सिर्फ तारीख पर तारीख मिली थी, इंसाफ नहीं मिला था, उसी तरह पिछले 2 साल से हमें कोहली की सेंचुरी नहीं मिल पाई है। लेकिन बड़े खिलाड़ी की पहचान बउआ बड़े मैच में ही होती है। सही बोला आपने, कोहली को सबसे ज्यादा पसंद टेस्ट क्रिकेट है। 18 जून को इसी टेस्ट क्रिकेट का आज तक का सबसे बड़ा मैच है और इस मैच में कोहली अपनी सेंचुरी का सूखा पूरा करके मैन ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बनेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले खिलाड़ी की तरफ जिसका काम है सुबह उठना, मैच खेलना, मैच में अवार्ड जीतना और सो जाना। भाई साहब, इस रूटीन को अपनी जिंदगी में डाला है अश्विन अन्ना ने। संजय मांजरेकर को भले ही अश्विन अन्ना ऑल टाइम ग्रेट न लगते हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अश्विन के पास 8 मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड है। उनसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी सिर्फ साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस और श्रीलंका के मुरलीधरन के पास है। लेकिन 11 मैन ऑफ द सीरीज जीतने के लिए मुरलीधरन ने 61 सीरीज खेली, जबकि अश्विन ने अपनी 8 सिर्फ 30 सीरीज में हासिल कर लिए। यही नहीं, करंट टीम इंडिया में अश्विन कोहली के बाद सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीत चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी अश्विन अन्ना रॉक करेंगे। क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं अगले खिलाड़ी की। 1 अगस्त 2019 को जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी तो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रहाणे इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोर्ड बनेंगे। भाई साहब, ये वो वक्त था जब रहाणे की टीम में जगह भी पक्की नहीं हो रही थी। कई लोग ये मान चुके थे कि लिमिटेड ओवर्स की तरह टेस्ट क्रिकेट में भी रहाणे का टाइम जा चुका है। लेकिन जो जा चुका था वो उनका नाम नहीं था, वो ऐसे लोगों की खोपड़ी से दिमाग था। आज ये बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि अगर रहाणे न होते ना तो इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल न खेल रही होती। इसकी वजह है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बनाए गए उनके 1095 रन, जो किसी भी इंडियन बैट्समैन से ज्यादा है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कोहली के चले जाने के बाद भी एक आधी अधूरी टीम से जिस तरह रहाणे ने काम निकलवाया वो वाकई काबिले तारीफ था। चाहे मेलबर्न हो, सिडनी हो या गाबा, हर मैदान पे हमको फक्र है, इसके लिए रहाणे भैया का शुक्र है। आपको क्या लगता है, इंडिया की साइड से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैन ऑफ द फाइनल कौन हो सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे भी राम राम जरूर बोलना। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। वैसे बउआ बड़े दिन बाद आया। बड़े दिन बाद आया, तूने बड़े दिन बाद बुलाया, तेरी ना बहुत थोड़ी है समझा, बेन स्टोक्स याद आ रहा है मेरे को। ए सॉरी।